ऑस्ट्रेलिया वालों हमें पता है, लेकिन फिर भी पूछेंगे कि सूजी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्पेशल रणतंत्र। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करना कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया के पास पहुंच जाए, क्योंकि इंग्लैंड के केस में उनके पूर्व क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के केस में उनकी मीडिया बहुत भिंडी रोना रोते हैं। नॉनसेंस, मतलब पिच पर इतनी किचकिच कर दी कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि इतना फोकस अगर खेलने पर लगा देते तो इतनी बेइज्जती का घूंट नहीं पीना पड़ता बे। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। मतलब 3 दिन तुम लोगों से खेला नहीं जा रहा, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। हम यहाँ संडे प्लान बनाकर बैठे थे कि बढ़िया बैठ कर मैच देखा जाएगा, और तुम लोगों ने शनिवार को ही बिस्तर बांध लिया। चलो एक बार को मान लिया कि पिच खराब थी, लेकिन फिर वो हमारे बल्लेबाजों के लिए भी तो थी। हमारे यहाँ तो शमी भाई इतने रन एक ही इनिंग में मार कर चले गए जितने तुम्हारे डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा और रैनशॉ जैसे 2 इनिंग में भी नहीं बना पाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गजब बेइज्जती है यार। जब शमी भाई रिटायर हो जाए ना तो उनको अपना बैटिंग कोच बना लेना, अगर अफोर्ड कर पाओ तो। बाकी जो तुम लोग जलील हुए हो उसकी कहानी हम अश्विन अन्ना की यूट्यूब चैनल पर सुन लेंगे। लेकिन अश्विन अन्ना के त्राईमाम से पहले जब दिन का खेल शुरू हुआ तो पहला सेशन शमी और अक्षर पटेल के नाम रहा। जडेजा को ऑस्ट्रेलिया वालों ने जल्दी आउट कर दिया था, और उसके बाद उनको लगा था कि इंडिया की बाकी टीम भी जल्दी निपट जाएगी। मोहम्मद शमी ने बोला घंटा निपटेगी। भाई ने मात्र 47 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बना लिए। आपको याद दिला दें, शमी ने ये रन आज के दिन ही बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का कोई भी खिलाड़ी दूसरी इनिंग में उसी दिन खेलते हुए इस स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अब बताओ कमी पिच में है ऑस्ट्रेलियन टीम में? शमी भाई का जलवा आप ऐसे समझ लो कि टेस्ट क्रिकेट में इतने छक्के राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बल्ले से नहीं आए जितने मोहम्मद शमी ने मार दिए। दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी ऑस्ट्रेलिया वालों के फीते टाइट करके रखे। जडेजा का विकेट गिरने के बाद उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और मोहम्मद शमी के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करके टीम इंडिया की लीड 200 के पार लगा दी। आपको याद दिला दूं, इंडिया जब जब इंडिया में खेलते हुए पहली इनिंग में 200 रन की लीड ले लेती है तब तब इंडिया इनिंग से मैच जीतती है, जो कि अब की बार भी हुआ। पहले सेशन में बस एक ही दुख हुआ कि अक्षर पटेल अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए और इंडिया का आखिरी विकेट इनके रूप में गिरा। लेकिन एक मुश्किल पिच पर उनके बनाए गए 84 रन्स इंडिया का स्कोर 400 पार पहुंचा दिए और ऑस्ट्रेलिया को टापने के लिए लीड दी 223 रन की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत चालाक निकले ब्रो, अपने बोर्ड से 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट की फीस ले ली लेकिन खेला सिर्फ 3 दिन। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अश्विन से उनको इतना खौफ था कि उन्होंने होमवर्क करने के लिए बड़ौदा का एक अश्विन जैसा गेंदबाज बुला लिया और उसके खिलाफ बल्लेबाजी करी। लेकिन फिर वो हुआ वही जो होमवर्क के साथ अक्सर होता है, क्लास पहुंचते ही याद आया कि कॉपी तो घर ही भूल गए। लंच के बाद पारी के दूसरे ओवर में अश्विन अन्ना ने उस्मान ख्वाजा को वापस लौटाया। लबुशेन आरजे की एक सीधी गेंद नहीं खेल पाए और फिर 38 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे वार्नर ने जब 2 बैक-टू-बैक चौके अश्विन को लगाए तो अश्विन अन्ना ने बोला अच्छा बेटा हमसे होशियारी, और अगली गेंद पर वार्नर को भी पहली फुर्सत में चलता किया और फिर सब एक के बाद एक चलते ही चले गए। ऑस्ट्रेलिया वाले हारमोनियम बन गए और अश्विन अन्ना अब्बा, और अब्बा ने पकड़कर हारमोनियम बजा दिया। देखते देखते उनके खाते में 5 विकेट थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी 31वीं 5 विकेट हॉल है। अश्विन अन्ना ने ऑस्ट्रेलिया वालों को इतना लाचार और मजबूर कर दिया कि साफ समझ में आने लगा कि ये लोग तीसरा दिन तो छोड़िए एक सेशन भी पूरी तरह टिक नहीं पाएंगे। सारे मजे स्पिनर लूट रहे थे, लेकिन शमी भाई ने आखिर के 2 विकेट उड़ाकर अपनी पार्टी मना ली और ऑस्ट्रेलिया वाले एक सेशन के अंदर अंदर मात्र 91 पर ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया वालों को पारी और 132 रन से जलील होना पड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक जीत आ चुकी है। अब ट्रॉफी जीतने के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रवेश करने के लिए 2 जीतें और चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया वालों को देखकर लग रहा है कि आसानी से आ ही जाएगी। आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वालों में क्या कमी रह गई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर हमारी पेशकश जारी रहेगी। कल हमारी लड़कियों का T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है, उस पर भी फोकस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक के देखते पेज को लाइक करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मिलना, और हमारे क्रिको चैनल पे भी जाना जहां आपके लिए तड़कती भड़कती वीडियो इंतजार कर रही है। जी हां, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।